उज्जैन में बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर का घेराव किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि पिछले 3 सालों से उनकी परीक्षा नहीं करवाई जा रही, जिस वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं के साथ ही अगली क्लास में प्रमोट भी नहीं किया जा रहा। छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द ही उनकी परेशानी का निराकरण करने की मांग की। वही मांग पूरी नहीं होने पर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करने की चेतावनी दी है। आप जहाँ बुलाओगे वहाँ तैयार है, कोर्ट में आपके पक्ष में जितना हो सकता, मैं आपको जानकारी नहीं होगी जब संभाग आयुक्त आपके कुलपति थे उनको हटाए, कुलपति हमने बनवाया कि घेराव क्या है, क्या मांगे हैं और आपका घेराव क्या है? हमारी मांगे है कि हमारी परीक्षा हो, यहाँ से 3 साल से हमारी सरकार हमारी परीक्षा नहीं ले रही है, इसलिए हम हमारी परीक्षा के लिए ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पे मंत्री जी के घर के सामने। 3 साल हो गए यहाँ पे, लाखों ऐसे छात्र हैं जिनकी एग्जाम नहीं हो रही है। एग्जाम नहीं हो रही है तो किस तरह की परेशानी आपको? आर्थिक स्थिति, घर वाले घर से दूर रह रहे हैं, वहाँ पे गए हम सीएम के यहाँ पे गए थे हमारी तरफ से भोपाल, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप बाहर जाके पढ़े, तो हम यहाँ पे बाहर जाके पढ़े हैं ना, तो आज हमारी एग्जाम हो इसलिए हमने यहाँ पे धरना दिया है। जितने भी स्टूडेंट है, किस कोर्स के स्टूडेंट है, क्या करवाने? हम सभी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है और हम सेक्रेट हार्ट कॉलेज से है, घर कॉलेज के आए। हाँ, सारे कॉलेज का है, उज्जैन सारे नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट है यहाँ पे। 4 साल की डिग्री है पर 3 साल से एक ही क्लास में हम घूम रहे हैं, फर्स्ट ईयर में ही। एक दिन कितना हो लिया? आज आपने मोहन यादव के घर का घेराव किया है, क्या मांगे हैं आप? कौन से कॉलेज के और कौन से कोर्स के स्टूडेंट हैं? हम बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और हमारी एग्जाम नहीं हो रही है पिछले 3 सालों से, इसलिए हम यहाँ धरना देने आए हैं ताकि ये मुख्यमंत्री जी हमारी एग्जाम लें और ये सरकार हमारी एग्जाम लें। इस चक्कर में हम यहाँ धरना देने आए हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, 3 साल से एग्जाम नहीं हो रही है, फीस पूरी पूरी ले रहे हैं और ना ही स्कॉलरशिप आ रही है। हर बार बोलते हैं टाइम टेबल आता है और वापस नीरस हो जाता है। तो 80,000 की फीस है सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग। क्या नाम? रवीना बैरागी। देखो, उच्च शिक्षा विभाग का तो मामला नहीं है, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मामले को लेकर के शिकायत देने आए थे कि उनकी वर्षों से एडमिशन है लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई, और मैंने जो जानकारी ली उनने बताया भी है कि उनका मामला कोर्ट में लंबित है, सीबीआई की जांच है या बाकी जांच है, जल्दी जल्दी हो जाए, उनकी परीक्षा हो जाए। मैं छात्रों होने के नाते से सहमत हूँ कि विद्यार्थी वर्ग को परेशानी नहीं आए, लेकिन चूंकि पूरा मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देश पे सारी कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से मैं उनके लिए रिप्रेजेंटेशन भी देने को तैयार हूँ और कोशिश करूँगा कि कोर्ट जल्द से जल्द उनके मामले में फैसला करे ताकि इनके जीवन का बाकी निर्णय किया जा सके। मतलब छात्रों ने फैसला किया है कि वो परीक्षा नहीं, अरे कोर्ट ने क्या कहा? इस वाले मामले में मैंने अभी कुछ बात ही नहीं कही है, जब चुनाव आएगा तब की बात होगी, आज तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन उनके जीवन में अगर ये निर्णायक मसला है तो मैं तो हमेशा छात्र हित की बात करता हूँ, छात्र छात्रा कोई भी हमारे भाई बहन है उनके जीवन में उनके साथ मदद होना चाहिए।